नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। हरिद्वार में 23 नवंबर से भारत संकल्प यात्रा निकलने वाली है और विकास भवन रोशनाबाद के सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। यात्रा के सफल संचालक के लिए निचले स्तर तक समितियों का गठन किया जाएगा। इसको देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि यात्रा को लेकर बैठक भी की गई, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में विकास भवन रोशनाबाद में सभागार में भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक की। वहीं सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि केंद्र सरकार की प्रमुख जन लाभार्थी योजनाओं का लाभ लक्षित पात्रों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया गया है। उत्तरकाशी के ब्रह्माखाल बरकोट के बीच सुरंग धंसने के कारण टनल में फंसे श्रमिकों से मणिकांत मिश्रा कमांडेंट एसडीआरएफ ने बात कर उनकी कुशलता ली। श्रमिकों ने बताया कि वे सब ठीक हैं और कमांडेंट एसडीआरएफ की तरफ से उनका हौसला बढ़ाते हुए धैर्य और हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें शीघ्र ही सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने का भरोसा दिलाया गया। साथ ही कंप्रेसर के माध्यम से उन्हें आवश्यक खाद्य सामग्री भी पहुंचाई गई। वहीं टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। खबर लक्सर से है, जहां के अबकार विभाग ने एक बार फिर खानपुर क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया है। अवकाशी निरीक्षण मनोज पटियाल की अगुवाई में विभाग की टीम ने प्रहलादपुर, बदारपुर व देबूदेरा पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान तीनों जगह से कई हजार लीटर कच्चा लाइन और कई लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस दौरान अवैध शराब कारोबारी चकमा देकर बच भागने में कामयाब रहे। वहीं आबकारी टीम ने बरामद किए गए कच्ची शराब के लाइन को मौके पर नष्ट कर दिया है और मुकदमे दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। पंतद्वीप पार्किंग के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पंतद्वीप पार्किंग का ठेका रद्धम एसोसिएट्स को दिया गया था और कोरोना काल के दौरान पार्किंग के आवंटन और निर्धारित समय के बावजूद अतिरिक्त समय ठेकेदार को देकर लाभ पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अधिशासी समेत दो ठेकेदार और कई लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू कर दी गई है। जहां एक और सरकार पर्यावरण को बचाने की बात करती है और उस पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाने की बात कही जाती है, इसके लिए हर साल हरेला पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें नेताओं से लेकर विभागीय अधिकारी भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में वन माफिया का सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर वन माफिया हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों पर आरी चला देते हैं। और ताजा मामला रुड़की रेंज के मानकपुर का है, जहां बीती रात 50 से अधिक आम के पेड़ों पर आरी चला दी गई। मामला है, ये अपने आप को पता नहीं, चोरी से काटे हुए पेड़ हैं, जिनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और मुझे जो है 40 पेड़ मिले, मैं 40 पेड़ों की वो जो है एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से पहले भी यहाँ पर बगीचा काटा गया था, जिसमें परमिशन दी गई थी आपके विभाग के द्वारा कुछ, उस समय भी आपके द्वारा यहाँ पर कार्यवाही की गई थी, क्या वो एफआईआर पहले की भी दर्ज करेंगे? कितने पेड़ों की थी? 30। अच्छा, 30 पेड़ पहले चोरी कर लिए परमिशन के आड़ में, अब बिना परमिशन के रातों रात पूरा बगीचा कट गया, क्या विभाग गहरी नहीं सोया था? नहीं, हमें तो आज सोचना मिली, हमें तो अभी पता चला, हमने आज वो कट दिया बस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गांवों की पूजा की। वहीं पूजा के दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना भी की।
सोमवार को सोमवती का अमावस्या का स्नान पर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार को हर की पौड़ी पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहे हैं और मां गंगा से अपने और देशवासियों के लिए सुख शांति की कामना भी कर रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सोमवती अमावस का स्नान है, लोग सोमवती में आते थे। गंगा जी का स्नान का महत्व तो 12 महीने है, लेकिन सोमवती का विशेष महत्व होता है कि सोमवती में गंगा स्नान करते हैं, पितरों के पूजा करते हैं, पीपल में फेरे लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं। पर ये त्योहार का समय है, इस वजह से आज थोड़ी भीड़ कम दिख रही है, अन्यथा ये दूसरे समय अगर पड़ा होता तो काफी भीड़ होती है। जी महात्मा साहब गंगा जी के स्नान करने आते, पवित्र धाम है, अपना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपनी खुशी में आते हैं और अब गंगा जी से अपनी प्रार्थना करते हैं। सोमवती अमावस का स्नान है, दीपावली वैसा है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं पहली बात तो बताऊँ, मैं 17 साल के बाद आई हूँ। ये लड़का मेरा 3-4 साल का था तभी हम लोग आए थे, और मेरे भाई की एंगेजमेंट भी तभी वो टाइम पे हुई थी। उसके बाद हम लोग आए तो वो मौका नहीं मिल रहा था, तो आने का जो एक्साइटमेंट था ये धार्मिक स्थल में आने का, तो ये अलग प्रकार का ही मुझे कुछ फीलिंग हो रही थी। तो और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना जाए, बस यही है, बस मुक्तिधाम जैसा फील होता है। तो ये हरिद्वार मुझे इसके लिए अच्छा लगता है आने के लिए। आज मंगलवार यानी 14 नवंबर को सुबह 11:45 पर अन्नकूट के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। पंडा पुरोहितों ने पूरी तैयारियों के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। सुबह ठीक 11:45 पर मंदिर में पूजा पाठ के बाद देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर गए हैं। आपको बता दें कि इस साल यात्रा सीजन के दौरान गंगोत्री धाम में 9 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए हैं। वहीं शीतकाल के लिए अगले 6 महीनों तक अब गंगोत्री धाम के कपाट बंद रहेंगे। जय गंगा मैया। आज ठीक 11:45 पर मां भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, और अब इसके बाद मां गंगा के जो दर्शन हैं वो शीतकालीन मठ मुखवा में होंगे। आज रात्रि को मां गंगा जी भगवती के मंदिर में, मारकंडे के पास भगवती का मंदिर है, वहां पर निवास करेगी। ठीक 11:45 भगवती गंगे के कपाट बंद होकर के मां गंगा जी यहां से प्रस्थान करेगी, थोड़ी देर बैरम वाड़ी में विश्राम करेगी, और उसके बाद मां गंगा जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखवा में होंगे। और अगले वर्ष आखा तीज को मां गंगा जी के कपाट पुनः खुलेंगे, और तब यहां पर सभी भक्तों को मां गंगा जी के भोग मूर्ति के दर्शन सुलभ हो पाएंगे। तो चलिए आप सीधा चलते हैं चमोली सांस्कृतिक गौचर मेला 2023 में, जहां पर सीएम धामी ने शुभारंभ किया है और सीएम धामी ने सभी को संबोधित भी किया है। माता की, भारत माता की जय, बद्री विशाल जय, बद्री विशाल। 71वें गौचर मेले के आज उद्घाटन अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष, और लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए प्रयत्न करने वाले आदरणीय महेंद्र जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके साथ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, इस कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टमटा जी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, उपाध्यक्ष जलागम प्रबंधन भाई रमेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष
आरणी मैकुरी जी, नगर पालिका गौचर की अध्यक्ष बहनंदू मिश्र जी, ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंद्रेश्वरी रावत जी, अध्यक्ष नगर पालिका कर्णप्रयाग बहन दमयंती रतूड़ी जी, पूर्व विधायक खराली मुन्नी शाह जी, मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, भाई गजेंद्र रावत जी, पीसीबी के चेयरमैन दिनेश डिमरी जी, संदीप रावत जी, रिपुदमन सिंह रावत जी, रामचंद्र गौड़ जी, श्री कुलदीप सिंह वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख गैरसैण शशि सोरियाल जी, बहन डॉक्टर हिमानी वैष्णव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रह्मप्रिया लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, पोखरी के अध्यक्ष रमेश बड़वाल जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पीपलकोटी श्री राकेश कुमार डिमरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री भवन नोटियाल जी, श्री राजेंद्र सगोई जी, पूर्व प्रमुख श्रीमती चंद्रकला तिवाड़ी जी, श्री विक्रम सिंहवाल जी, श्री सुभाष रमोला जी, विनोद नेगी जी एवं व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष जी, आए हुए सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित, मेरे सभी नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री हिमांशु जी, रेखा जी, एसएसएसपी एवं सभी प्रशासन के लोग और विभिन्न विभिन्न विभागों से आज जो इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विभागों के कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज भगवान बद्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी की इस पवित्र भूमि में आकर स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। जैसा कि आरणी महेंद्र जी ने बताया, यहां पर पिछले वर्ष भी मुझे आप सबके बीच में इस मेले में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज फिर से आप सबके बीच में आया हूं। मैं सबको, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं और आप सब लोगों ने बड़ा स्वागत और अभिनंदन भी हम लोगों का किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मेला बहुत ही हमारा पौराणिक व्यापारिक मेला है। 1943 में सबसे पहले ये आयोजित किया गया था, तब से लगभग हर वर्ष एक ही तारीख को 14 तारीख को ये मेला यहां पर आयोजित किया जाता है और 1943 से लेकर अब तक लगातार जो इसका आयोजन होता है, निरंतरता से जो आप सब लोग बड़ी धूमधाम से इस मेले का आयोजन करते हैं, सभी लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस मेले से बहुत अपने क्षेत्र के लोगों का, आसपास के लोगों का और पहले तो तिब्बत के लोगों का भी लगातार इस मेले से जुड़ाव रहा है। और जब ये मेला प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत और तिब्बत के बीच व्यापार खुला हुआ था और हमारे यहां से व्यापार मुख्य रूप से हमारे भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था और तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में सभी लोगों का रहना भी था, निवास स्थान भी था और व्यापार भी था। प्रारंभ में गोचर मेले में भोटिया जनजाति के लोगों को अपने कलात्मक जो अनेकों एक से एक से उत्पाद पहले से ही जो बनाते आए हस्तशिल्प के ऊनों के, उसने बेचने में बहुत मदद की और देश की आजादी के बाद गोचर मेला सरकार द्वारा एक औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में आयोजित किया जाने लगा। यह विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे लिए बहुत ही महत्व का मेला है और हमारे राज्य के जितने भी मेले आयोजित होते हैं उन मेलों में अगर हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक रूप से, औद्योगिक रूप से अगर किसी मेले को सर्वाधिक मान्यता है तो उसमें से हमारा गोचर का मेला है। और इसमें मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पूछता भी हूं कि कितने विभागों के द्वारा यहां पर प्रतिभाग किया जा रहा है, तो राज्य सरकार के अधिकांश विभाग
इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, मेले ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये इंद्रधनुष जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं उसकी तरह ही होते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, बहुत सारे संसाधन हो गए, टेलीविजन पर ही हमको सब प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं, इंटरनेट आसान हो गया है, संचार के साधन आसान हो गए हैं। लेकिन पहले के समय में जब ये इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय ये मेले एकमात्र साधन हुआ करते थे जो हम सबको एक दूसरे से मिलाने का काम करते थे, हमारे जीवन में ताजगी और उत्साह भरने का काम हमारे इस प्रकार के मेले किया करते थे। मेले और उत्सव ये इस प्रकार के आयोजन हैं, ये हमारी इससे जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को भी प्रचार का प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम यहां पर मिलता है, बल मिलता है। वहीं हमारी नई पीढ़ी भी हमारी जो समृद्ध जो सांस्कृतिक धरोहर रही है, जो हमारी विरासत रही है और हमारी जो परंपराएं रही हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। भाइयों बहनों, ये मेले कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको बुनने में भी बहुत मदद करता है, और सामाजिक और जो व्यवहारिक दायरा है वह भी इन मेलों के माध्यम से बढ़ता आया है। हमारे देश में और विशेष रूप से उत्तराखंड में अधिकतर मेले सांस्कृतिक जो मेल मिलाप है उसका एक माध्यम रहे हैं, और गोचर का जो मेला है वो विशेष है, क्योंकि ये मेला जहां सांस्कृतिक रूप से अपनी एक छटा बिखेरता है, वहीं आर्थिकी को मजबूत करने का भी यानी व्यापार को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सहायता करता है। एक और जहां इस मेले में हमारी जो झांकियां हैं वो उत्तराखंड की विशिष्ट बहुआयामी जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को दर्शाती है, वहीं हमारे सरकार के अधिकांश विभागों के द्वारा जो काम राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं या जिन कामों को किया जा रहा है उनको दर्शाया भी और प्रदर्शित भी किया जाता है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राज्य स्थापना के 23 साल पूरे हो गए। इन 23 सालों में हर बार चुनाव होता था, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाया करती थी। पहली बार आप सबके आशीर्वाद से हमको लगातार दूसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, और डबल इंजन की जो सरकार है वो प्रदेश के विकास के हर क्षेत्र में काम कर रही है, हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है, जो राज्य का घरेलू सकल उत्पाद है उस राज्य के घरेलू सकल उत्पाद को बढ़ाना, जिसके लिए औद्योगिक विकास हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने यहां से बताया, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। हम लोगों ने भी डेस्टिनेशन उत्तराखंड, एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया था, और भाइयों बहनों उसको आगे बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमने ये काम शुरू किया। जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। हम देश में विदेश में अनेकों स्थानों पर लोगों के बीच में गए और उनको हमने ये बताया कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की विशेषताएं हैं, कितना एक यहाँ का जो हमारा पर्यावरण से लेकर तमाम प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ पर मैदान भी है, पहाड़ भी है, पहाड़ों में भी हम किस प्रकार के कामों को बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी भट्ट जी ने बताया कि इस बार की जो यात्रा हुई है वो यात्रा हमारी पिछले साल से 12 लाख ज्यादा हो गए, आप सोचिए हर साल बढ़ रहे हैं। और हम लोगों के बीच में गए, हमने कहा कि आइए उत्तराखंड में आप निवेश करिए, उत्तराखंड के अंदर अपना उद्योग लगाइए,
पहाड़ों में आप अपना व्यापार बढ़ाइए, उद्योगों को लगाइए और हमारे सभी नौजवान भाई बहनों को, जो हमारे नौजवान भाई काम करने के लिए देश दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उनको हमारे घर पर ही काम मिलेगा, हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे, हमारे यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी। और उस काम को बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में गए और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमारा सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमारे 1,25,000 करोड़ के निवेशकों के करार आ चुके हैं अभी तक, और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। और जो निवेशकों की लंबी लाइन लगी हुई है, और हमने कहा है हम उन्हीं निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे, उत्तराखंड राज्य के जो हित में होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन सब के लिए जो हमारा बुनियादी ढांचा है, वो बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रोड पे कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ ऊर्जा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से हम ध्यान कर रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद यहां पर जो चार धाम सड़क परियोजना बनी, उसके कारण से पहले का समय कैसा था, लोग ऋषिकेश से चलते थे और बद्रीनाथ पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था, 14 घंटे 15 घंटे लग जाते थे और एक दिन में यात्रा भी नहीं हो पाती थी। अब तो ऋषिकेश से चलते हैं, बद्रीनाथ जी का पहुंचे पता ही नहीं लगता है। कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग तो बहुत ही आसान है, वो तो 3-4 घंटे में ही पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग तक। श्रीनगर तक तो और 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्यों मरुभ भाई साहब ऐसा ही है। तो इस प्रकार का काम, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम, 125 किलोमीटर की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है वो तेजी से काम हो रहा है, और ये पूरा होते ही इस क्षेत्र के लिए एक ये ऐसा काम होगा, और ये भारतवर्ष की पहली परियोजना ऐसी है जो 125 किलोमीटर की है और 104 किलोमीटर टनल पर ही जा रही है, सीधे टनलों के अंदर से जा रही है, और तेजी से काम चल रहा है, जल्दी से यात्रा शुरू हो जाएगी। निर्माणाधीन रोड पे परियोजना है, ये सब इस बात का उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाश शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।